शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। समस्त मुंबई कराना माजा राम राम। कैसे आ तुम्हें? आप सभी हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुंबई ये शहर सिर्फ सीता है, कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर चलने वालों को मुंबई ने कभी निराश नहीं किया है। इस ड्रीम सिटी में मैं आपसे 2047 के ड्रीम को लेकर के आया हूं। एक सपना है देश का, एक संकल्प है देश का, हम सब ने मिलकर विकसित भारत बनाना है और इसमें मुंबई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आप मुंबई के लोग रफ्तार की कीमत सबसे ज्यादा समझते हैं। भारत के साथ आजाद हुए कितने ही देश हमसे आगे निकल गए, हम क्या किसी से कम थे? फिर कमी कहां थी? कमी उस सरकार में थी जिसने भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और मैंने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, और मैं आप सबको कहूंगा, मुंबई वालों को, कि YouTube पर जाकर के लाल किले से अब तक कौन प्रधानमंत्री क्या बोले हैं सारा अवेलेबल है। आप हैरान हो जाएंगे, एक वो भी वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे। जिन सरकारों की सोच ऐसी रही हो, वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। आजादी के बाद भारत की सभी व्यवस्थाओं का जो कांग्रेसीकरण हुआ, उसने देश के 5 दशक बर्बाद किए हैं। हर पल देश के नाम जी जान से जुटा है,
साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो ये कहता है वो असंभव है। निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, उनमें आशा का संचार करना लोहे के चने चबाने का काम होता है। और इसलिए निराशा को पाल करके बैठे हुए लोग हर पल हर चीज असंभव ही अनुभव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता था राम मंदिर भी उनको असंभव लगता था, साथियों दुनिया को कभी न कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत भूमि में रहने वाले लोग अपने विचारों के इतने पक्के थे, अपने इरादों के इतने पक्के थे कि एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है, 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 सो पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले, ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। साथियों, हमारा देश दशकों तक सीरियल बम धमाकों से लहूटी 3% आरक्षण 40 साल तक इंतजार करते रहे लोग, संसद में बहस होती थी, और जो आज संविधान को सर पर रख करके नाच रहे हैं उन लोगों ने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के बिल को छीन करके फाड़ दिया था। इन सब की छाती पे बैठ करके आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, कांग्रेस 60 साल तक कहती रही
कि गरीबी हटाएंगे और इनकी तो फैशन थी। और आप सच में थोड़ा जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं जरा देख लीजिए, आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे। और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 पर माला ही जपते रहते थे, लोगों की आंख में धूल झोंकते थे और गरीबों को एहसास कराते रहते थे कि तुम तो गरीबी में जीने के लिए ही पैदा हुए हो। इस देश में गरीबी को हटाना असंभव लगता था, भाइयों बहनों मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया। जो असंभव लगता था वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? संभव हुआ कि नहीं हुआ? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? कौन सी ताकत है किसने ये किया है? ये कौन सी ताकत है? मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण हुआ। ये आपके वोट का सामर्थ्य है और इसलिए मैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जो शांति और सुरक्षा चाहते हैं, जो विकास के अनगिनत अवसर चाहते हैं, जो भारत को विश्व में माथा ऊंचा करके जीने वाला देश के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे हर नागरिक को कहता हूं जरा घर से बाहर निकलिए और अपने वोट का उपयोग कीजिए। और मेरा आपसे आग्रह है, मैं आज मुंबई करके पास आया हूं, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप रिकॉर्ड तोड़ करके सारा मतदान करके दिखाइए इस बार। आज जब मतदान करने के लिए घर से निकले ना तो याद करना, कभी वो बम धमाके हुआ करते थे, सुबह घर से निकलते थे तो शाम को जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका कोई विश्वास नहीं था। आज गर्व के साथ आपकी बेटी शाम को आनंद से घर लौट सकती है, ये याद करके जाना। और कमल पे और मेरे साथियों के जो सिंबल है उन पे अपना बटन दबा करके मोदी को जरा मजबूत कीजिए। आपका एक वोट राष्ट्र हित में बड़े फैसलों का आधार बना है और इसलिए एक एक वोट जरूरी है। साथियों, इन लोगों ने जब जनादेश चुराकर सरकार बनाई, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जनादेश को चुराकर सरकार बनाई तो विकास कार्यों से भी अपनी दुश्मनी निकाली। बुलेट ट्रेन का काम हो, मुंबई मेट्रो का काम हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनल का काम हो, मुंबई से जुड़े हर बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने लटकाया, अटकाया और भटकाया। ये मुंबई के लोगों से दुश्मनी निकाल रहे थे। साथियों, मोदी का एक महत्वपूर्ण संकल्प है, मोदी मुंबई को उसका हक लौटाने के लिए आया है।
आज दुनिया का आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है। आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ते हुए भारत में एनडीए गठबंधन रोजगार के नए नए सेक्टर्स बना रहा है। मुंबई के युवाओं को होगा, मुंबई के प्रोफेशनल्स को होगा। हमारी सरकार मातृभाषा में पढ़ाई को भी बहुत महत्व दे रही है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव होगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, मैंने कम से कम आप जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है वो तो उस क्लाइंट की भाषा में दो, ये क्या अंग्रेजी का झंडा लेके घूम रहे हो तुम लोग। और आज सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई मराठी भाषी व्यक्ति का केस चल रहा है और उसको जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट मराठी में चाहिए तो मिलना तय हो चुका है। दोस्तों, भाई और बहनों, शहरी मिडिल क्लास हो या फिर शहरी गरीब, ईज ऑफ लिविंग ये मोदी की प्राथमिकता है। उनके बीमारी में उनके इलाज की चिंता उनके बेटी बेटी पर नहीं रहेगी, ये जिम्मा मोदी संभालेगा। हम जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस कराने में आपको कितनी दिक्कत आती थी, वो भी अब भूल जाइए। अब मोदी आपके बुजुर्ग माता पिता का अस्पताल में इलाज कराएगा और वो भी मुफ्त। भाई और बहनों, 10 साल पहले तक सामान्य गरीब और मिडिल क्लास के लिए बैंक लोन सपना होता था, आज बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। पहले फुटपाथ पर रेहड़ी पर काम करने वालों को बैंक के दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं थी, जिनको कोई नहीं पूछता था मोदी उनको पूछता है। और मैं हमारे शिंदे जी वगैरह का आभार व्यक्त करता हूं कि एक आध साल पहले मुझे यहां बुलाया था और करीब 1,00,000 रेहड़ी पट्टी वाले भाई बहन इकट्ठे हुए थे और उनको हजारों करोड़ रुपए बैंक से लोन मिला था। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, वरना पहले क्या था, रेहड़ी पटरी वालों को साहूकार के प्यास से बहुत महंगे ब्याज में पैसे लेते थे और कारोबार में से ज्यादा पैसा ब्याज में चला जाता था। आज उनको बैंक से लोन मिलता है। गारंटी कौन देता है? गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी पैसे मिलता है। अरे मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन, पाई पाई समय पर चुकता करते, बैंकों पर कोई बोझ नहीं होने देते। साथियों, जो साजिश से रच रहे हैं उसका एक मकसद इस भरोसे को भी तोड़ना है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया गाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी। दोस्तों, मैं कल्पना करता हूं कि इनकी सोच देश के लिए कितनी बड़ी भयंकर आर्थिक स्थिति पैदा कर सकती है। साथियों, मुंबई चैत्य भूमि से प्रेरणा पाती है, ये भी हमारी सरकार है
जिसने चैत्य भूमि सहित देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ विकसित किए हैं। साथियों, शिव तीर्थ की इस भूमि में यहां कभी बाबा साहब ठाकरे और वीर सावरकर की हुंकार गूंजी थी, लेकिन आज विश्वास जाति आघाड़ी को देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिवसैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। और मैं एनसीपी के नेता को चुनौती देता हूं, आप राहुल से बयान करवाइए, कोई जीवन में कभी भी वीर सावरकर का अपमान नहीं करेगा। जरिए बयान करवा दीजिए। अभी उन्होंने चुनाव है इसलिए चुप करवाए, ताला मारा है उसको, लेकिन जरा बनवा दीजिए अखबार कि मैं जीवन भर वीर सावरकर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। जरा एक बार बुलवा दीजिए उनको। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है चुनाव खत्म होते ही फिर से वीर सावरकर को गालियां देना शुरू करने वाले हैं। साथियों, महाराष्ट्र की मिट्टी के साथ धोखा करने वाले लोग, महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले लोग, साथियों वो भी एक वक्त था कभी शिवसेना की पहचान या घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होने की थी। आज वही नकली शिवसेना सीएए का विरोध कर रही है। इनको आप हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने पर भी आपत्ति है। हिंदुस्तान में ऐसा हृदय परिवर्तन किसी पार्टी का नहीं हुआ जैसा अभी की नकली शिवसेना का हुआ है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टिकरण के लिए इस पूरी आघाड़ी ने पूरी मुंबई को, पूरे देश को धोखा दिया है। जिस कसाब ने मुंबई करो को दहलाया, इस शहर को खून से रंग दिया, ये लोग उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, ये आघाड़ी वाले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर उसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हमारी सेना को झूठा करार दे रहे हैं। अपमान और क्या होगा। साथियों, इंडिया गाड़ी वाले लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का, हमारे संविधान का भी अपमान कर रहे थे। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, पूरी संविधान सभा एक मत हुई थी कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन इंडिया गाड़ी वाले दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। सत्ता के लिए इनकी धोखेबाजी नहीं चलेगी। आर्टिकल 370 हटा कर देश में एक संविधान लागू कराने वाला मोदी संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। उन्होंने पहले संविधान के शरीर को तोड़ा। हमारे संविधान की जो पहली प्रत है उसमें एक हिस्सा है संविधान के संबंध में लिखा हुआ बातें, दूसरा उसमें चित्रकाम है, वो सब मिला करके एक संविधान बना है। और इन चित्रों में हजारों साल के हमारी विरासत को चित्रांकित किया गया है। इन्होंने पहला काम किया पंडित नेहरू ने, वो चित्र वाला संविधान अलमारी में रख दिया और सिर्फ बाद में
बाद में उसके आत्मा को उन्होंने चूर चूर कर दिया। अब ये लोग संविधान की पीठ पे छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को किसी दलित पिछड़े आदिवासी का आरक्षण कभी भी छीनने नहीं दूंगा। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से कहा था यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। इस समय का चक्र तेजी से चलता है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुंबई की है। हमको मतदान करना है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। भाजपा और शिवसेना के हमारे सारे उम्मीदवारों को विजयी बना करके दिल्ली भेजना है। हमारे एनसीपी के साथियों को, मैं नकली वालों की बात नहीं कर रहा, मुंबई नॉर्थ लोकसभा से श्रीमान पीयूष गोयल जी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से रविंद्र वायकर जी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से मिहिर कोटेचा जी, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निगम जी, मुंबई साउथ सेंट्रल से राहुल सोयवाले जी, मुंबई साउथ लोकसभा से श्रीमती यामिनी जाधव जी, इन सभी के पक्ष में 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। और जब आपको वोट देंगे ना आप इनको, वो वोट सीधा का सीधा मोदी के खाते में जाएगा। साथियों, मैं पूरा हिंदुस्तान घूम के आया हूं और मैं विश्वास से कहता हूं इस बार के चुनाव नतीजे पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले होंगे। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। 4 जून, और इसलिए साथियों आप सबका सक्रिय सहयोग, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।